गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टेंथ क्लास स्टूडेंट्स मैंने आपको कल ये फोटो डाला था एक व्हाट्सअप के अंदर चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये जो नमेरिकल सही इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड होंगे एंड देख लेते हैं पहला क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड फोर हंड्रेड वाट यूज फॉर एट आवर पर डे वाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू यूज इट फोर थर्टी डेज एट रेट थ्री पर किलो वाट आवर स्टूडेंट से इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो उसकी जो पावर है वो फोर हंड्रेड वाट पर यूज़ किया जाता है और पर डे उसको आठ घंटे यूज में लाया जाता है दैन आपको कॉस्ट फाइंड करना है एनर्जी थर्टी डेज तक कितने कंज्यूम होंगी एंड उसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा देखिए बेसिकली मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन कॉमर्शियल होते हैं कॉमर्शियल यूनिट यूज की जाती है घरों में किलोवाट आवर में आपको बैलेंस देना होता है चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम मैंने आपको बोला था जो डेफिनेशन है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर दैट मीन्स वर्क जो है वो फॉर्म एक एनर्जी की होती है सो so, एनर्जी जब आप फाइंड करेंगे पावर मल्टीप्लाई टाइम यहाँ तक करने के बाद पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या एनर्जी फाइंड कर लेंगे चलिए यहाँ पे कर देख लेते हैं इसको द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन थर्टी डेज थर्टी डेज़ में जो एनर्जी कंज्यूम होंगी उसका फॉर्मूला है पा एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम पावर जो है फोर हंड्रेड वाट है इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको पावर वाट में गिविन है देन आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट में कैसे वन किलो वाट इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड वाट एंड वन वाट इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन थाउजेंड किलो वाट देखिए स्टूडेंट्स एक वाट जो है वो वन अपॉन वन थाउजेंड किलो वाट के इक्वल है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे फोर जो फोर हंड्रेड वाट होगा उसके अंदर हो जाएगा फोर हंड्रेड अपोन वन थाउजेंड किलो वाट देखिए यहाँ पे आराम से आप इसको देख सकते हैं देन जब आप सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे आठ घंटे पर डे होता है बट थर्टी डेज के लिए उसको यूज किया गया देन ये आ जाएंगे आवर्स तीस दिन के अंदर जो भी आवर्स यूज होंगे फोर हंड्रेड अपॉन वन थाउजेंड ये किलो वाट में पावर चलेगी यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल आउट इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट एंड इस जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 12 इंजन 96 किलोवाट आवर हमारे पास 30 डेज के अंदर जो एनर्जी है हमारे पास कंज्यूम वो 96 किलोवाट आवर है अब करना क्या है आपको देखिए एक यूनिट के लिए थ्री रुपीस चार्ज है और 96 किलोवाट आवर के लिए कितना हो जाएगा 288 रुपीस ये इतने रुपये आ जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज ए बल्ब इज़ रेटेड एट फाइव वोल्ट एक बल्ब है हमारे पास चलिए बल्ब बना लेते हैं यहाँ पे साइड में कुछ यहाँ पे बना लेता हूँ इसको ये हमारे पास कोई बल्ब है ओके और इस पर है क्या फाइव वोल्ट एंड जो करंट है वो 100 हंड्रेड मिली एम्पियर गिविन है अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट चाहिए एम्पियर में देन 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर एंड आप अब देख चुके हैं यहाँ पे जब 1 मिली एम्पियर टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर के इक्वल होता है देन 100 मिली एम्पियर जो होगा 100 मल्टीप्लाई टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में पावर एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना है पावर इज इक्वल्स टू यू नो दैट अगर वोल्टेज एंड करंट गिव होता है देन पावर इज इक्वल्स टू वी आई वोल्टेज फाइव एंड करंट हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री देखिए दो पावर पॉजिटिव बनेगी एंड ये माइनस थ्री पावर है यहाँ पे यहाँ पे जो आएगा ये बच जाएगी माइनस वन पावर अब इस इनवर्स पावर को जब आप अपोन में लेकर जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगी देन आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव वाट आएगा बेटा रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए करना क्या है यहाँ पे ओम्सला अप्लाई कर दीजिए बिकॉज हमारे पास वोल्टेज करंट गिवन है एंड रेसिस्टेंस फाइंड कराया है आपसे देखिए रेसिस्टेंस जो होगा वी अपोन आई वोल्टेज फाइव वोल्ट एंड करंट की वैल्यू रखने के, के आफ्टर समटाइम क्या होगा आप इस नेगेटिव थ्री पावर को ऊपर ले जाइए जब ये ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट एंड लास्ट में जो आंसर होगा फिफ्टी ओम आ जाएगा रेसिस्टेंस स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लेने हैं और अगर पॉसिबल हो सकता है आप ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं एंड मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हैं देखिए बच्चों इस चैप्टर के अंदर से जो पावर के निमेरिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप इनको केयरफुली करना अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती है देन वो मुझसे पूछ सकता है थैंक यू